करते हैं। लालू की पार्टी में टिकट नहीं मिलने पर रामकृपाल यादव ने बीजेपी का दामन थामने का इशारा तो कर दिया है। आज वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इसमें एक पेच फंस रहा है। कल सब बता देंगे आप लोगों को, लेकिन और किसी पार्टी से भी बीजेपी में कल आप थोड़ी 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 देर इंतजार करिए। रामकृपाल यादव अगर बीजेपी में शामिल होने को लेकर थोड़ा इंतजार करने की बात कह रहे हैं तो फिर ये साफ है कि कोई न कोई पेच अभी भी फंसा है। इसे सुलझाने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रामकृपाल यादव से दिल्ली एयरपोर्ट पर खास मुलाकात की। उनके साथ रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। अब पेच क्या फंसा है जरा ये जान लीजिए। दरअसल हाल ही में आरजेडी से बीजेपी में आए एक और नेता पाटलिपुत्र सीट से टिकट के दावेदार हैं। नाम है नवल किशोर यादव। इन्होंने साफ कह दिया कि टिकट का भरोसा तो इन्हें दिलाया गया है। बीच में रामकृपाल कहाँ से आ गए? मुझे टिकट मिलेगा और मुझे निश्चित रूप से आज भी एश्योर लोगों ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में मैं आस्था रखता हूँ। नवल किशोर यादव की माने तो टिकट के डील के बाद ही वो पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बाबा रामदेव ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझे आमंत्रण देकर बुलाया है। अब इस पेच को बीजेपी कैसे सुलझाएगी, इस पर सबकी नजर है। उधर रामकृपाल अभी से विरोधियों के हिट लिस्ट में आ गए हैं। कृपाल जी के जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा हमारा राष्ट्रीय जनता दल के। ऐसे में जल्द ही साफ हो जाएगा कि रामकृपाल बीजेपी में जाएंगे या नए विकल्प की तलाश में निकल जाएंगे। आरजेडी नेता हालांकि रामकृपाल की बगावत को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी ने उन्हें तवज्जो दी उससे साफ है कि वो पार्टी के लिए बिहार में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि सियासी जानकारों का मानना है कि यादव वोट बैंक पर रामकृपाल की अच्छी पकड़ है। राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज़।